हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो, जो ज्योग्राफी का पेपर होता है काफ़ी यूनिवर्सिटी में, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान का भूगोल, उससे संबंधित मैं आपके सामने सिलेबस एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा और महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी के सभी तीनों चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एग्जाम कितने नंबर का होगा और किस पैटर्न में होगा, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपका पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी पेपर होंगे वो सारे पेपर नंबर आपके 150 नंबर के होंगे, ये भी पेपर आपका 150 नंबर का होगा, ठीक है, उसी प्रकार से। लेकिन 100 नंबर का आपका इसमें थ्योरी का पेपर होता है और 50 नंबर का आपका इसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो 150 नंबर किस प्रकार से बांटे गए हैं, 100 नंबर का तो आपका होगा थ्योरी का पेपर और 50 नंबर का आपका पेपर होगा प्रैक्टिकल का पेपर। और जैसा कि आप जानते हो, आपकी बार जो पेपर में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब टोटल 60 नंबर चाहिए। तो 60 नंबर किस प्रकार से बांटे गए हैं, 40 नंबर आपको पेपर में लाने ज़रूरी हैं और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में लाने ज़रूरी हैं, या फिर दोनों में मिलाकर भी आप 60 अंक प्राप्त करके भी पास हो सकते हो। कुल मिला के आपको ऐसी बात है कि 60 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि पेपर किस तरीके से बांटा गया है। तो एग्जाम पैटर्न है, जो 100 नंबर के पेपर है उसको दो भागों में बांटा जाता है, आपका पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए है उसका दो टाइप होते हैं। पार्ट ए में पहले आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं, मतलब राजस्थान के भूगोल से संबंधित आपके क्या तो 5 MCQs दे देंगे, ठीक है, या फिर 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जिनमें आपको लिखना पड़ेगा, आता वो भी MCQs टाइप में ही है, लेकिन MCQ में आपको ऑप्शन दिए रहते हैं और वैसे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और फिर एक आता है पांच पांच क्वेश्चन आएंगे आपके भूगोल के, मतलब राजस्थान के भूगोल में आपको जगह दे देंगे और उससे संबंधित आपको मैप के क्वेश्चन आएंगे और उनको मैप में भरना होगा, ठीक है। 10 जगह दे के देखेंगे, 10 चीज़ें दे के रखेंगे, उसको आपको 5 को मैप में दर्शाना होगा, उसको आपको मैप में दिखाना होगा। तो राजस्थान के भूगोल का मैप का क्वेश्चन है वो इसी चैनल पर करा दिया जाएगा, तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिर आएगा आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपकी जो 500 की 500 यूनिट हैं, सॉरी 4 यूनिट हैं, तो आपको इनमें से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनमें से आपको 4 या फिर 5 क्वेश्चन आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, वो करने पड़ते हैं अथवा में। अब शुरू करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट में, आपको सिलेबस बता देता हूँ फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, जिसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वो वीडियो को थोड़ा आगे कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन है डेफिनेशन स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो राजस्थान की भौतिक से संबंधित प्रश्न आते हैं, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को किस तरीके से राजस्थान में उपयोग है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जोनिंग ऑफ अर्थ इक्वेटर, रॉक्स एंड टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। तो भाई अर्थ का के किस प्रकार के जो चट्टानें पाई जाती हैं, किस प्रकार की जो ओशियन है कॉन्टिनेंटल, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। जो ड्रिफ्ट टाइटोनिक जो प्लेट होती हैं ड्रिफ्ट, इनसे संबंधित प्रश्न है। फिर जो यूनिट नंबर सेकंड है, ठीक है, फिर आता है साइकोल ऑफ इरोजन, मतलब जो मिट्टी का कटाव होता है उससे संबंधित प्रश्न है। इरोजन, डिपोजिशन टोपोलॉजी, रिवर्स अंडरग्राउंड वाटर मतलब ग्लेशियर हो गए, नदियाँ हो गई, इससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, आइसोलेशन, एयर प्रेशर, बेल्ट, मानसून और लोकल विंड, इससे संबंधित आपके प्रश्न है। फिर एग्रीकल्चर, राजस्थान के अंदर कृषि, उससे वीट, राइस, बाजरा और कॉटन, मतलब जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, है ना, दालें हो गए, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद में जो थर्ड नंबर यूनिट है उसमें इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और जो शुगर, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और लास्ट नंबर जो है वो रेगिस्तान हो गया, प्रोग्राम जो जो इतने भी प्रोग्राम चलाए गए हैं रूरल और मेल फीमेल के संबंधित, ग्रासिया जो है सेटलमेंट है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के घर होते हैं उससे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं राजस्थान में भूगोल में। अब बात करें राजस्थान के भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला प्रश्न है राजस्थान के भौतिक विभागों प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान का जो भौतिक विभाग है प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का आपको वर्णन करना है। और मैं आपको बता देता हूँ ये सभी को सभी पुराने जिलों के आधार पर, अभी नए जिलों के आधार पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में मृदा जल संसाधन की एक भौतिक लेख लिखते हुए इसके वर्गीकरण एवं महत्व तथा संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो राजस्थान में जो मृदा जल व
संसाधनों का एक भौगोलिक लेख लिखना आपको, और इसके वर्गीकरण व महत्व संरक्षण की क्या करनी है, विवेचना करनी है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, टिप्पणी करनी है किस पे, राजस्थान में सूखा और मरुस्थलीकरण। तो राजस्थान में जो सूखा है और मरुस्थलीकरण पर, अपवाह तंत्र पे, वनों के वर्गीकरण पर और जलवायु प्रदेश पर, ठीक है। तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उनके ऊपर टिप्पणी करनी है, किस प्रकार का अपवाह तंत्र है उस पर टिप्पणी करनी है, वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से है इस पर टिप्पणी करनी है, और जलवायु प्रदेश किस प्रकार से इस पर टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक बार फिर आपको टिप्पणी करनी है किस पे, ऊर्जा संकट एक विराट समस्या है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण अरावली पहाड़ी विकास कार्यक्रम, राजस्थान में कृषि और तथा डेयरी विकास, तो यह प्रश्न है, इसमें से आपको 5 नंबर क्वेश्चन में टिप्पणी करनी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है समस्याओं के समाधानों के उपाय। तो राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व के जो समस्या है उसका क्या क्या समाधान व उपाय है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मीणा भील या ग्रासिया जनजाति के आवासीय स्थल अर्थव्यवस्था और समाज में अर्थव्यवस्था के प्रभावों की, समाज में प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो मीणा भील व ग्रासिया जनजाति के जो आवास स्थल हैं, है ना, अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित क्या करना है आपको, वर्णन करना है। 8 नंबर प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम पर आपको टिप्पणी करनी है, राजस्थान में नगरीकरण की समस्या पर टिप्पणी करनी है, और राजस्थान में पाए जाने वाले आदिवासियों के प्रकार पर आपको टिप्पणी करनी है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एग्जाम में जाने से पहले इन सब पर देख कर चले जाना। अब बात इंग्लिश में बात करें, डिवाइड द राजस्थान इंटू फिजिकल डिविजन्स रीजन्स एंड डिस्क्राइब एनी वन रीजन। तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में आपको विभाजित करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए ज्योग्राफिकल एसे और वाटर सोयल रिसोर्स ऑफ राजस्थान एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट एंड कंजर्वेशन। 3 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान, डेरेंज सिस्टम, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट रीजन, आपको कमेंट करना है इस पर किस पे, एनर्जी क्राइसिस इज ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है, कोज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, अरावली हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर एंड डेयरी डेवलपमेंट इन राजस्थान। फिर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन डेंसिटी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन इन राजस्थान। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द हैबिटेट इकोनमी एंड द सोसाइटी ऑफ मीना भील ग्रासिया ट्राइब एंड द इम्पैक्ट ऑफ इकोनमी एंड सोसाइटी ऑन देम। तो ग्रासिया जो सोसाइटी है इन पर आपको बात करनी है, और लास्ट तक कमेंट करना है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इन राजस्थान और टाइप ऑफ सेटलमेंट इन राजस्थान। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप एग्जाम से जाने से पहले देख के चले जाना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।